आप ये देखो कि आपके यहाँ पे पहले दंगे कराए गए एक साजिश के तहत, आपका आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी गई सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। आज 6 महीने बीत गए उन बातों में, अब तक जो है सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि साजिश का कौन इसको करने वाला है। 6 महीने में अनेक नौजवान बच्चों जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया, जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया, और अब जब कोर्ट से उनको जमानतें मिलने लगी, जब वो बाहर आना शुरू हो गए तो कैसे उनको रोका जाए, उसके लिए जो UAP है उसका एक्ट लगा दिया। अगर एक्ट लगाना है तो फिर पूरे प्रदेश के लोगों पे लगना चाहिए, ना कि केवल मेवात के लोगों। आप मेवात में अगर UAP लगाते हो तो इसका मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो, केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हो, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हो। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते, या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो, नहीं मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो, इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहां पे भी खत्म करो। लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है, इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को कह करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है। चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था उससे साथ खड़े हो जाते, आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ, हम मंगलवार से या बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। हमने बात पहले भी शुरू नहीं करी थी, हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई, और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है उसमें कैसे जाएं, जा ही नहीं सकते। आज हरियाणा में जो है अब किसकी क्या बात चल रही है इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कुछ लोगों को।